और एक चीज कहूंगा यहां से, विपक्ष के लिए भी और इनकी सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए हैं, इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं, कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं कि हम तो इनके साथ हैं। एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के बाहर अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होकर हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे, मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको। लेकिन इकट्ठे होकर करना पड़ेगा, ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, जब हम पे आएगी तो देखेंगे, नहीं, सब पे आई हुई है, सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी। और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए, एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनावों में भी ढूंढते रह जाएंगे कहां है, 0 पार, बस सीधे कहा 0 पार। तो ये कोई ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे, लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। सब पार्टी वालों को जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होके इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितने दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे, लेकिन सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक घर में इस आवाज़ को उठाएंगे, एक एक शहर एक एक नगर में इस आवाज़ को उठाएंगे और बता देंगे कि हमारे इरादे कितने फौलादी हैं। तुम चाहे जितनी यातनाएं दे लो, तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, जब तक इस देह में प्राण रहेगा और माथे पे संविधान रहेगा, इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा। भारत माता की, भारत माता।